नमस्कार, मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है कांग्रेस में कितने बिकाऊ। अब ये सवाल इसलिए क्योंकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मंत्री रामनिवास रावत पर बिकने के आरोप लगाए। ऐसे ही आरोप कांग्रेस नेताओं ने 2020 में लगाए थे, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। तब से कांग्रेस नेता हर चुनाव में ये राग अलापते रहे हैं, दल बदल करने वाले बिके हैं। उमंग सिंगार ने ये तो भी कह दिया है कि उन्हें भी 50 करोड़ का ऑफर मिल चुका है, जिस पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है और सिंगार से सबूत पेश करने को कहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस नेता बिकाऊ हैं, जो चाहे उन्हें खरीद लेता है, या कांग्रेस उपचुनाव में फिर बिकाऊ को मुद्दा बनाना चाहती है। सवाल तो ये भी, क्या नेता प्रतिपक्ष ने रामनिवास रावत पर आरोप लगाकर अपनी ही पार्टी के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। वैसे तो मुझे भी ऑफर आया था, 50 करोड़ रुपए ले लो, आप कैबिनेट मिनिस्टर बन जाओ। अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के लगाए आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो वो ही जाने। लेकिन उनके इस बयान के बाद उपचुनाव में फिर बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा गर्मा गया है। साथ ही सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस बिकाऊ है, क्योंकि खुद कांग्रेस नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके नेता लेन देन कर दल बदल रहे हैं, और अगर नेताओं की बोली लगाकर उन्हें खरीदा जा रहा है तो क्या विधानसभा चुनाव के दौरान जिन बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा था, तो क्या कांग्रेस ने उनकी भी बोली लगाई थी। खैर, नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को चुनाव से जोड़ कर देखा जा रहा है, और शायद यही वजह है कि वो मंत्री रामनिवास रावत को भी घेर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि रावत जी क्यों गए, आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से वो कर्जे में डूब गए थे, जिनके पंप है, बाकी चीजें सब उनकी कर्जों में आ गई थी, तो आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो गई थी रावत जी, और जनता के विश्वास को उन्होंने बेचा। निश्चित तौर से जनता इस बात को समझती है कि जो बिकाऊ है वो कभी टिकाऊ नहीं होते, इसलिए मैं समझता हूँ कि विजयपुर की जनता उन्हें घर भेजेगी। अब नेता प्रतिपक्ष ने खरीद फरोख्त के आरोप लगाए तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी ने उमंग सिंघार से सबूत पेश करने को कहा, साथ ही कहा कि कांग्रेस की ये पुरानी परंपरा है कि वो अपने पुराने साथियों को बिकाऊ कहकर उनका अपमान करती है। इतना बीजेपी ने कहा कि इस तरह की माफिया गिरी कांग्रेस में चलती है, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा है। उमंग सिंघार जी को भारतीय जनता पार्टी के बारे में पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता लेने के लिए 100 रुपये देने पड़ते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी सदस्यता देती है, ठीक है कि नहीं। ये कांग्रेस का कल्चर था जो उमंग सिंघार बोल रहे हैं। पहले कांग्रेस में नरसिम्हा राव जी की सरकार में, या पूर्ववर्ती राजीव गांधी जी की सरकार में, या इंदिरा जी की सरकार में, या दिग्विजय सिंह जी की सरकार में, जैसे कि आपने स्वयं कमलनाथ जी की सरकार में दिग्विजय सिंह को क्या क्या शब्दों से संबोधित किया था, कौन कौन से आपने माफिया बनाए थे, उनको शराब का बताया था, जमीन का बताया था, तो ये कांग्रेस का कल्चर है। जो कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि उनके नेताओं को खरीदा जा रहा है, उसी कांग्रेस पर ये भी आरोप लगते रहे हैं कि उनके यहाँ टिकट की खरीदी होती है। बिना लेन देन के कांग्रेस में किसी को टिकट नहीं मिलता, लिहाजा अब नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर प्रदेश की जनता कितना भरोसा करेगी और उपचुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा, ये 23 नवंबर को ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौकसे, कांग्रेस प्रवक्ता अमित तांबरे और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही है आपकी। आपने सुना होगा रामेश्वर शर्मा कह रहे थे कि आप लोगों के यहाँ ऐसी परंपरा है, उसी का आप फॉलो कर रहे हैं, वही आरोप लगा रहे हैं उमंग सिंघार। और बीडी शर्मा कह रहे हैं यदि आपके पास कोई सबूत है तो दे दीजिए, अपने लोगों को क्यों बार बार अपमान करते हैं आप इस तरह के आरोप लगाकर। सारे बिकाऊ आपके यहाँ हैं क्या?
देखिए, मुझे लगता है कि ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे देश में रहे हैं, चाहे हम पृथ्वीराज चौहान जी के जमाने से जयचंदों की बात कर लें, या अंग्रेजों के खिलाफ जब पूरा देश एकजुट था तो वो कौन लोग थे जो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, उनकी दलाली कर रहे थे। वो प्रयास लगातार निरंतर चलता रहा, और कई घराने ऐसे थे यदि वो अंग्रेजों का साथ उस टाइम ना दिए होते तो 1857 में ही देश आजाद होता। तो ये लंबा एक इतिहास रहा है, उसके बदले उनको क्या मिला क्या नहीं मिला ये आप हम सब लोग जानते हैं। रही बात, आपने कहा कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो जिनको खरीदा गया है, जहां जहां सरकारें गई हैं, ये आपने हमने सबने देखा है, जहां जहां लोकतंत्र का तीर हरण हुआ है वहां पे ये सारी चीजें हुई हैं। यदि ऐसा ना हुआ होता, सारी चीजें स्पष्ट होती, तो मध्य प्रदेश से दूर कहीं अन्य प्रदेश की धरती पर ले जाकर ये सारी प्रक्रिया क्यों होती? मध्य प्रदेश की धरती पर होती, अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता के सामने होती। तो ये बात बड़ी स्पष्ट तौर पर प्रमाणित है कि जो आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार जी, उन्होंने जो बात कही है, ना कि वो सिर्फ कांग्रेस के नेता ये बात कर रहे हैं, बल्कि कई भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता भी ये बात कह रहे हैं। अभी रावत जी के मामले में भी कई नेताओं ने इनके कहा कि भाई सत्ता और संगठन को अब जरूरत क्या है, जब इतना बड़ा बहुमत मिल गया है तो आखिर क्या ऐसी जरूरत आन पड़ रही है कि आपको विपक्षी दल के विधायक को जो है वो लेना पड़ रहा है। तो ये फिर हमारी बात, जरूरत नहीं है तो फिर पैसे दे के कौन खरीदेगा? आप खुद कह रहे हैं ना जरूरत नहीं है उनको, और जब उमंग सिंघार तो आपके ही हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, यदि उनको कोई खरीदने की कोशिश कर रहा था तो वो तो सबूत दे ही सकते हैं। जो चले गए उनकी हम एक बात मान लें कि वो नहीं देंगे, तो ये तो सबूत दे देते। सही कह रहे हैं, वो सबूत दे दीजिए। देखिए, मैं तो एक आपको दूसरी बात इसको और दूसरी तरीके से और अच्छे से बता देता हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है 20 साल से, तो सारे लोग इनके हैं, एसपी कलेक्टर इनके हैं, डीजी इनके हैं, साइबर पुलिस सब कुछ इनके पास है, तो इनको तो सारी चीजों की जांच कर लेना चाहिए। और यदि उमंग सिंघार जी झूठ बोल रहे हैं, इतनी बड़ी बात झूठ बोल रहे हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर करना चाहिए ना सरकार को। जो सरकार बात बात पर यदि कोई सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कुछ लिख दे, उसको ये लोग अंदर कर देते हैं। यदि नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यदि किसी बात को बोल रहे हैं तो आखिर मतलब आप चाहते हो राजनीतिक बयान दें, आरोप लगाएं, भाषण दें, तो उस पर भी एफआईआर दर्ज होने जाने चाहिए। अरे अमित भाई, सोशल मीडिया पर लिखने पर एफआईआर दर्ज हो रही है। अमित भाई, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि ऐसी एक जांच अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री रहते हुए सचिन पायलट की कराई थी। देखिए, मैं तो मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, और नहीं, मैं तो कांग्रेस की जांच की बात कर रहा हूँ, तो मैं मध्य प्रदेश की बात कर सकता हूँ। ऐसी एक जांच भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव की करा रहे थे, तो हम राजस्थान की बात करेंगे। नहीं, सचिन पायलट भी प्रचार कर रहे हैं ना अभी श्योपुर में, इसलिए आप जिस दिन आप बात करोगे राजस्थान की, हम राजस्थान की बात करेंगे, लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सचिन पायलट जी हमारे नेता है, अशोक गहलोत जी हमारे नेता, लेकिन फिर आप आरोप लगाएंगे ना? इसलिए क्योंकि दोनों स्टार प्रचारक है मध्य प्रदेश में, आपके जो 40 स्टार प्रचारक है ना, उसमें अशोक गहलोत का भी नाम है, सचिन पायलट का भी नाम है। मनोज भाई जो कौन सी जांच करी थी अशोक गहलोत जी ने, यदि आप मुझे उसकी कॉपी भिजवा देंगे, उसका अध्ययन करके फिर मैं आपसे बात करूंगा। पब्लिक डोमेन में है, कॉपी भी दे देता हूँ, व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल करवा दीजिए आप, फिर हम बात करेंगे आपसे। पब्लिक डोमेन में है, जब वो चले गए थे, जो अटकलें लगाई जा रही थी कि वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे, तब जांच कराई थी, एफआईआर दर्ज कराई थी भाई, टेप रिकॉर्डिंग सामने आई थी। अमित जी, आप तो इतने बड़े प्रवक्ता हैं, समझदार हैं, पुराने हैं, आपको तो पूरी एक एक चीज की जानकारी रहती है। देखिए, मैं बड़ा तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो आप सबसे छोटा हूँ और एक सामान्य ज्ञान रखने वाला आम भारतीय हूँ। जितनी समझ मुझ में है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो मतलब आप चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष पर एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए बयान के आधार पर? अरे ऐसे सैकड़ों उदाहरण है, मैं आपको बताऊं कि जब भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पे यदि किसी ने व्यंग भी किया है तो उसके खिलाफ एफआईआर हो गई है। जब नेता प्रतिपक्ष जैसा महत्वपूर्ण व्यक्ति यदि कोई बात कर रहा है
तो सरकार को इस मामले में ध्यान देना चाहिए, क्या इतना नैतिक साहस नहीं है सरकार में? तो गुंजन जी, वो तो अपने नेता प्रतिपक्ष पर भी कह रहे हैं कि FIR दर्ज कर दीजिए, आप में इतना नैतिक साहस नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, सर्वप्रथम तो बात की शुरुआत इस बात से करूंगी कि आज जो भी मुद्दा था उस मुद्दे पे एक बार भी अमित जी का कहीं से भी कोई बयान इसलिए नहीं आया, या तो आज वो पार्टी लाइन लेकर नहीं आए थे या पार्टी लाइन से एकदम भटके हुए, क्योंकि जब वो ये बात करते हैं कि अगर कोई बयान उनके नेता प्रतिपक्ष ने दिया है तो FIR होनी चाहिए, तो अमित जी बहुत जल्द फिर तो अटकलें लगनी चाहिए कि अब आप भी भाजपा का दामन थामने वाले हैं, क्योंकि आप अपने ही नेता के खिलाफ FIR की बात कर रहे हैं जितनी देर से आप इस टीवी चैनल पे आज बैठे हुए। दूसरी बात, जो आपके नेता प्रतिपक्ष ने बयान दिया है वो पूर्ण रूप से सत्यहीन और तथ्यहीन दोनों है, क्योंकि ये जो बयान देके सुर्खियों में कैसे बनना है ये कांग्रेस के नेताओं को बखूबी आता है, क्योंकि अब जनता जनार्दन के लिए तो बात करना कुछ बचा नहीं है आपके पास। तो अब एक ही काम बचा है कांग्रेस के नेताओं के पास कि किस तरह तथ्यहीन बात ले आए ताकि मीडिया में थोड़ी उन्हें जगह मिल जाए और थोड़ा सा उन्हें फुटेज मिल इस तरीके से, ताकि उनके थोड़े बयानबाजी से उनका चेहरा जनता जनार्दन के बीच में आ जाए। सर्वप्रथम आपके मैं नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहती हूं कि अगर कांग्रेस के नेता बिकाऊ हैं तो इसका मतलब कांग्रेस हर उस व्यक्ति को अपनी पार्टी में रखती है जो बिकने को तत्पर। लेकिन आप लोगों की छवि खराब कर रहे हैं, आपकी पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। गुंजन जी, का FIR तो आप करा ही सकते हो। कि आज कांग्रेस पार्टी में नेता नहीं बचे हैं, नीति कांग्रेस पार्टी के पास कभी थी नहीं, नियत जनता के कल्याण की पार्टी ने कभी रखी नहीं, चाल नहीं, चरित्र नहीं, चेहरा नहीं। लेकिन गुंजन जी, एक चीज तो आपको मानना पड़ेगी ना, आप लोग ये जो भेदभाव कर रहे हो कि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि 5-5, 7-7 करोड़ में खरीदा, तो उमंग सिंगार में ऐसा क्या देखा कि वो 50 करोड़ आप दे रहे थे इसके बाद भी वो आ नहीं रहे? हम तो कह रहे हैं ना मनोज जी, तो ये तो भेदभाव है ना आपका। आपने देखा होगा हमारे अध्यक्ष जी ने इस पे तो प्रेस वार्ता ली, उन्होंने कहा कि आप बताओ ना सबूत, कब कहां किसको किस माध्यम से दिए। आप एक इतना बड़ा आरोप लगाते हैं एक इस देश की सबसे बड़े राजनीतिक दल पर, तो आप बताएं सबूत दें, आपको कब खरीदने की कोशिश की, कहां खरीदने की कोशिश की, किसने खरीदा। आप अपने लिए भी लाछन लगा रहे हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी लाछन लगा रहे हैं, आप अपने पूर्व नेताओं पे भी लाछन लगा रहे हैं, और यही वजह है कि आज कांग्रेस पूर्ण रूप से टूटी बिखरी बिफरी हुई पार्टी बची है। चलिए इसका जवाब अमित जी से ले लेंगे, ठीक है गुंजन जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास दूसरे दौर में। मनोज जी, 2020 में हमने देखा यही तरह के तमाम आरोप लगाए, इसके बाद हमने 2023 में भी देखा इस तरह के आरोप लगे, बार बार कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रही। उमंग सिंगार पहली बार नहीं कह रहे, उपचुनाव के दौरान उनके इस बयान को कैसे देखा जाए, क्या वो कोई नैरेटिव सेट करना चाहते हैं या कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, भाई एक बात पर वो अड़ी हुई है या ये साबित करना चाहती गद्दारी के मुद्दे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे, बिकाऊ के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि दो बार असफल हो चुकी है उस पर। देखिए ब्रजेश जी, इससे हम कांग्रेस के आंतरिक कलह से भी जोड़कर देख सकते हैं कि पूरी पार्टी का नैरेटिव क्या है, पूरी पार्टी किस लाइन पर प्रचार कर रही है। आप देखिए, और अकेले उमंग सिंगार कौन सी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 50 करोड़ का ऑफर था। जिम रामनिवास रावत का वो जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रामनिवास रावत के पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं, कर्जे में हैं। तो जो चुनावी हलफनामा दिया रामनिवास रावत ने, उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि उनके पास 9,86,00,000 की संपत्ति है, जिसमें से 2,63,00,000 की चल संपत्ति है और 7,20,00,000 की अचल संपत्ति है, और ज़्यादा देनदारी उस पूरे उन्होंने हलफनामे में दिखाई नहीं है, जो वो भी पब्लिक डोमेन पर है। और अगर ये मान लिया जाए कि कर्ज में डूबे रामनिवास रावत पैसा लेके बीजेपी में आ गए, तो जो उनके सबसे अमीर उम्मीदवार थे, प्रत्याशी रहे, इंदौर से लड़े हैं संजय शुक्ला, वो तो अरबपति उम्मीदवार है, उनका चुनावी हलफनामा अमित भाई को भी पता, पूरी कांग्रेस को पता है वो किस खुशी में बीजेपी में शामिल हो गए, विशाल पटेल का सबको पता है, और छोड़ी और थोड़ा पीछे जाए तो संजय पाठक जो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक धनी उद्योगपति हैं, मंत्री हैं, रहे हैं, नेता रहे हैं, विधायक हैं बीजेपी के, वो क्यों कांग्रेस छोड़ के चले गए, उनको कोई 5 करोड़ में खरीद सकता था क्या? तो सवाल ये है कि जब आप बार बार एक बात कर रहे हैं, तो वो जो मुद्दा 2020 में पिट गया, उसके उपचुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद 23 में कांग्रेस को 2003 जैसी हार का सामना करना पड़ा, 2003 में बीजेपी 173 सीट जीती थी
और इस बार 163 सीटें जीती है। उसके बावजूद आप लोकसभा की 29 सीटें हार गए, वो नकुल नाथ भी हार गए जो छिंदवाड़ा 40 साल से कांग्रेस का गढ़ था। तो सवाल ये कि अगर 40 साल पुराने रामनिवास रावत अगर 5 करोड़ में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो जो 50-60 साल पुराने हैं उनकी क्या रेट लगाएगी बीजेपी, या जो नए नवेले हैं वो किस रेट में जाएंगे? तो सवाल ये नहीं है, जो गुंजन जी ने भी कहा, तो ये जो कांग्रेस बार बार सर्वे कराती है कि जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है, कई सारे पैमाने बीजेपी में कराती है, तो उसमें जोड़ लो भैया कि टिकाऊ तो रहेगा कि नहीं रहेगा, या बिकाऊ तो नहीं रहेगा, और ये पैमाना कौन तय करेगा? क्योंकि उसी चुनाव में हम देखते हैं कि इंदौर में 2018 का चुनाव मुझे याद है, इंदौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था कि राहुल गांधी ने कहा था ना कोई बाहरी उम्मीदवार को टिकट देगा ना किसी पाए जो आकाशीय उम्मीदवार को टिकट देंगे। तेंदुखेड़ा से बीजेपी विधायक संजय शर्मा को उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बीजेपी में शामिल करा लेते हैं। जिस मुद्दे को कांग्रेस गरमा रही थी 2020 में उपचुनाव में, उसी चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव हारे सतीश सिकरवार को बीजेपी से कांग्रेस में लाया जाता है। उपचुनाव में वो जीतते मुन्नालाल गोयल को, उनकी पत्नी शोभा सिकरवार को महापौर का टिकट मिलता है, वो 53 साल बाद जीत जाती है, और उनके छोटे भाई नीटू सिकरवार जो बीजेपी विधायक थे उनको मुरैना में लोकसभा का टिकट दे दिया जाता है। तो ये खुद की मर्जी से आए थे, या दीपक जोशी जो कांग्रेस से विधायक हैं, और दीपक जोशी जो कैलाश जोशी की मूर्ति चित्र लेकर कांग्रेस दफ्तर में गए थे, उनको कितने में खरीदा था उन्होंने, और अब वो किस शर्तों में वापस छोड़कर आ गए, ये सारे जवाब देना चाहिए, क्योंकि जीतू पटवारी नहीं हुआ इसलिए आ गए। जवाब दे दीजिए कि जिन लोगों को आप लेके गए थे कितने कितने में लेकर गए थे, और मनोज जी कह रहे हैं अंतर कलह है आपके यहाँ, वो चल रही है क्योंकि कलह की वजह से एक जो हो रहे ना ब्रजेश जी, क्योंकि उमंग सिंगार की विश्वसनीयता इससे देखिए कि जब नर्सिंग घोटाले की बात चल रही थी उन्होंने चैलेंज किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा 4 दिन में विश्वास सारंग का कलई खोल दूंगा, इतना बड़ा घोटाला उतारूंगा, और 4 दिन उनके अभी हुए ही नहीं, 4 महीने हो गए हैं। अमित जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, मैं भी सुन रहा था कि टिकाऊ का बिकाऊ का मुद्दा जो है वो 20 में फ्लॉप हो गया, 23 में फ्लॉप हो गया, तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा कि वो विचारधारा के लोग जिनको जनता लगभग 5 दशक तक नकारती रही, कभी जनसंघ बनाई, कभी जनता पार्टी, कभी भारतीय जनता पार्टी, वो लगातार जनता उनको जो है वो कमरे के बाहर बिठाती रही, जब वो लोग हिम्मत नहीं आ रहे, तो एक 2 चुनाव में कांग्रेस से ऐसा कहा जा सकता है, ये बड़ा हास्यास्पद सा लगता है। ये सबसे बड़ी बात आपने कही है कि ऐसे लोग कांग्रेस में आपने रखे क्यों हैं, कि 6 दशक पुराने गुलाम नबी आजाद चले जाते हैं, जी 23 बन जाती है, और दो चुनाव अगर संघर्ष नहीं कर रहे तो ऐसे लोगों को कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष बना देती है, ऐसे लोगों को कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बना देती है, ऐसी पहचान क्यों नहीं कांग्रेस को, जो दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है, जिसका आप दम्भ भरते हैं, जिसका आप लोग। मनोज भाई, हम आपसे अगली बार जब टिकट देंगे तो हम आपसे ऐसी कोई स्क्रीनिंग मशीन लेंगे जिससे इंसान के अंदर की बात को जाना जा सके। मशीन तो बीजेपी के पास है ना, इसलिए तो गड़बड़ हो जाती, खुद पहचानिए ना, खुद परख कीजिए। आप लोग दोनों यदि मिलके बोलोगे तो मेरी बात को भी सुन लो, यदि जवाब लेना चाहते हो, आप दोनों सीनियर पत्रकार। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आप राजनीतिक क्षेत्र में होते हो तो लोग वही होते हैं, इंसान वही होते हैं। मुझे आप ये बताइए कि गलत कौन है, जो विश्वास कर रहा है वो गलत है, या जो विश्वास जिस पे करके जो व्यक्ति धोखा दे रहा है वो गलत है? भाई पार्टी तो अपने कार्यकर्ता में से ही टिकट देगी ना, अमेरिका में बैठे किसी व्यक्ति को तो दे नहीं सकती, पत्रकारिता जगत में बैठे किसी व्यक्ति को तो दे नहीं सकती। जो लोग उस पार्टी में राजनीतिक तौर पर काम कर रहे हैं उन्हीं को टिकट दिया जाता है। अब यदि वो लोग धोखा दे देते हैं तो इसमें पार्टी की तो कोई गलती है नहीं। जयचंद ने यदि धोखा दिया तो उसमें राजा साहब की गलती तो थी नहीं। यदि अंग्रेजों के साथ हमारे कई लोग मिल गए थे तो ये इस देश की जनता की गलती तो थी नहीं। तो मेरा कहना यही है, मैं फिर कहूंगा कि जो बिकाऊ है वो बिकेगा और जो टिकाऊ है वो टिकेगा। और आप आकलन करिए कि मैं तो ठीक है, मान लिया उन्होंने खरीद लिए तो कांग्रेस भी खरीदती रही है क्या? ऐसा नहीं, आपके यहाँ जो लोग जाते हैं तो आप लोग भी खरीदते हो क्या? देखिए, इसका तो एक सामान्य सा उत्तर है और ये कोई भी व्यक्ति जान जाएगा कि लंबे समय से जिसकी सरकार है वही कुछ दे सकता है। आपने संजय पाठक की बात करी, अपने मुंह से आपने खुद ही कह दिया सबसे बड़े धनी है, जो सबसे बड़ा धनी है उसके काम सबसे बड़े हैं। खनन माफिया के तौर पर आखिर किसको जाना जाता है? उन्हीं को जाना जाता है।
आपने संजय शुक्ला की इंदौर में बात करी है, उनका क्या उनके उनके पिताजी दिग्विजय सिंह मंत्रिमंडल में थे, सत्येंद्र पाठक। विराम दीजिए आप, अरे अटल बिहारी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के परिवार के भी कई लोग थे जिन्होंने दल बदले हैं, पूरे देश तो इन लोगों की बात और कथनी और करनी में अंतर है। आज दीपक जोशी जी भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो वो पाक साफ हो गए, और वही दीपक जोशी जी जब कांग्रेस में थे तो वो बुरे हो जाते हैं। तो ये लेकिन बीजेपी ने ऐसे आरोप नहीं लगाए थे ना कि आप लोगों ने खरीद लिया अमित जी, फिर तो आपके राजा कैसे लग गए? उससे भी ज्यादा आरोप उनके ऊपर लगाए थे, और आप कल्पना करिए वो दीपक जोशी जी जिन्होंने अपने रोहा से गले से कहा था कि मेरे पिता का स्मारक बनाने तक के लिए पैसे नहीं दिए थे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने अटेंड करी थी, तो कम से कम इन सब बातों का जवाब भी भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। लेकिन वो तो कांग्रेस की सरकार थी तब, अर्जुन सिंह की मूर्ति के साथ क्या हुआ? अरे अमित जी एक बार बार एक शब्द इस्तेमाल कर रहे थे ब्रजेश जी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आगे क्या हुआ? यदि अर्जुन सिंह जी की मूर्ति नहीं लगी थी तो कौन सा अजय सिंह जी ने राहुल भैया ने कांग्रेस छोड़ दी? गुंजन जी दीजिए जवाब। ब्रजेश जी, अमित जी बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे कार्यकर्ता, कि हम कार्यकर्ता को तो टिकट देते हैं, कार्यकर्ता ही को तो आगे बढ़ाते हैं। तो मैं पहले बोलना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी पहले कार्यकर्ता का मतलब समझ ले, कांग्रेस पार्टी पहले कार्यकर्ता का भाव समझ ले। कार्यकर्ता पे जूता मार, कुर्सी मार राजनीति भूली नहीं है अभी प्रदेश की जनता। जिस तरह विधानसभा चुनाव में जब कार्यकर्ता पहुंचे थे तो दिग्विजय सिंह जी कहते थे कुर्ता फाड़ना है तो कमलनाथ जी का फाड़िए, कमलनाथ जी कहते थे कुर्ता फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह जी का फाड़िए। ये जूता मार, कुर्सी मार, कुर्ता फाड़ राजनीति जहां होती है कांग्रेस पार्टी में, जहां जन कल्याण का कहीं कोई लेना देना नहीं है, वहां पे ये हर्ष होता है। जो अपने कार्यकर्ताओं को बिकाऊ कहते हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरीके की भाषा शैली इस्तेमाल करते हैं, वहां ये सोचते कार्यकर्ता उनके साथ होंगे? देश हित की नीयत जिनके पास नहीं है, जिनके पास जो सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं, जो जनता का अपमान करते हैं, जो महिलाओं में रस ढूंढते हैं, जो महिलाओं का अपमान करते हैं उस पार्टी के साथ। चलिए माफी चाहता हूं गुंजन जी, क्योंकि समय की बात देता है इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर जो उमंग सिंगार ने आरोप लगाए हैं तो सवाल उठता है, क्या कांग्रेस में और भी बिकाऊ हैं? कांग्रेस बार बार बिकाऊ का राग क्यों अलपती है? 2020 में भी उन्होंने यही मुद्दा उठाया। क्या उमंग सिंगार पार्टी लाइन से हटकर या जिन मुद्दों को लेकर उनके अध्यक्ष और बड़े नेता आगे बढ़ रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी धार बोथरा करना चाहते हैं क्या? ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि लगातार एक ही आरोप उमंग सिंगार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।